पीएससी के द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन है। इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक अध्यापक की पोस्ट है, इसमें टोटल जनरल में टोटल जो पोस्ट है 287 पोस्ट है। इसमें जो मांगा गया है क्वालिफिकेशन, आपकी बी या बी टेक प्लस एम टेक होना चाहिए, ये कंपलसरी है। आपको बी टेक के साथ एम टेक होना ज़रूरी है। इसमें जो आपको वेतन मिलने वाला है वो 57,700 रुपये है, जो कि वेतन स्तर 10 के हिसाब से दिया जाएगा। जिसमें आपकी आयु उम्र 22 वर्ष से मिनिमम आपकी 22 वर्ष होने ही चाहिए और मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसमें अब चयन कैसे होगा, इसमें चयन के लिए मैं बता दूं, इसमें टोटल 100 नंबर का पेपर होने वाला है, जो कि इस तरह से डिवाइड किया गया है आपका। इसमें एम टेक के आपको 10 नंबर मिलेंगे, 10 नंबर ऐसे मिलेंगे जैसे आपके जो डिग्री है उसका 10% होगा। जैसे मान लीजिए आपका 80% बना है तो आपको उसमें 8 नंबर मिल जाएंगे, मैक्सिमम अप टू 10 नंबर तक मिल जाएंगे। आपका बी और बी टेक का 5% लिया जाएगा। जैसे आपका किसी का मान लो 70% अपना ग्रेजुएशन डिग्री में बना है तो उसका 70% का 7.5 नंबर ले लिया जाएगा, मतलब उसका 5% लेना है उसको। अगर आपके पास पीएचडी है तो आपको 5 नंबर डायरेक्ट ही मिल जाएंगे। इसके बाद रिटर्न का वेटेज 40 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे और जो कि 2 घंटे का पेपर होने वाला है। इसमें जो सिलेबस आएगा वो गेट का सिलेबस रहेगा, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे आप या तो आईएएस के क्वेश्चन लगा लें या गेट के जो एक एक नंबर वाले जो लाइन वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं वो लगा लें, क्योंकि इसमें जो टाइमिंग दी गई है वो आपको 2 घंटे में 80 क्वेश्चन बनाना हो, इसलिए इसमें क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो हल्का रहने वाला है। इंटरव्यू के 15 मार्क्स रहेंगे। अब इसमें 25% में जो फैकल्टी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजों में जो पढ़ा रहे हैं उनको 25 नंबर मिलेंगे, जो कि 5 नंबर हर साल के हिसाब से मिलेंगे टोटल। जैसे 5 साल किसी ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया है तो उसको डायरेक्ट 25 नंबर मिल जाएंगे, हर साल के 5 नंबर हैं। और इसकी जो फॉर्म की मैं जैसे लास्ट डेट बताऊँ, इसकी लास्ट डेट 30 जुलाई को है। और हाँ, एक बात और इसमें ध्यान रखना है कि जब जो आपका जो फॉर्म भर जाए तो उसको निकालना और पूरे डॉक्यूमेंट रख कर आपको स्पीड पोस्ट करना है पूरे डॉक्यूमेंट और फॉर्म के साथ। इसकी मैं फीस अगर मैं बताऊं, इसकी फीस 750 रुपये है जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी जो बिहार के ओबीसी एससी एसटी, ध्यान रखना बिहार के ही चलेंगे, बाहर के ओबीसी एसटी जनरल वो जनरल में काउंट होंगे। सिर्फ इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है वहाँ के जो लोकल हैं ओबीसी एससी एसटी हैं उनका 200 रुपये लगने वाला है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है ये बिहार चुनाव में अगर वैकेंसी ना उलझे तो पहले ही पेपर हो जाए, अगर उलझ जाती तो इसका डेट